अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अभी तो आप देख रहे हैं मुझे बड़े आराम से बैठा हुआ, पर मैं आपको बताऊं इतना काम 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 किया है ना कि बस काम कर करके थकावट हो जाती है। पर अब मैं ये नहीं कहूँगी कि थकावट हो गई है। आप सारों को जैसे कि पता है कि मैं दो दिन से अपना कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं कर रही थी, और साथ मैंने जाना था अपने अब्बू के पास, और ऐसे हुआ कि बस थोड़ा बिज़ी थी जिस वजह से जा नहीं सकी। इंशाल्लाह ताला अब कल मैं जाऊंगी, कल है फ्राइडे, और कल इंशाल्लाह ताला जाऊंगी मैं अपने अब्बू के पास कुछ दिन रहने के लिए। और आज मैंने घर के जो जो काम करवाए, जितने फ्रेम्स थे वो लगाए, और लगाए नहीं लगवाए, और बाकी जो जो काम किए वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जो औरतें घर में काम करती हैं वो बड़ी आसानी से घर में रहती हैं, ऑफिस वर्क और जो जॉब्स करती हैं उनके काम जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल हैं, पर मुझे लगता है जो घर पे काम करती हैं ना सच्ची वो ज़्यादा मुश्किल होता है। और चलें, बहरहाल औरत औरत है, उसने तो काम करना ही करना है, चाहे वो घर करें चाहे वो बाहर करें, और इसी तरह मर्द ने भी काम करना है। तो बात वही आ जाती है कि जब तक हम अपने घरों को साफ़ सुथरा और नहीं रखेंगे तो कोई भी कह लें कि दूसरा तीसरा बंदा घर की सफाई नहीं करता। जितने भी आप हेल्पर्स रख लें, जो भी हो, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करता। तो चलें फिर, अब ये है कि अब आपको दिखाती हूँ घर जो आज मैंने काम किए और करवाए, और करवाना भी एक बहुत बड़ा काम है, आपको पता है इस बात का। तो चलें जी, फिर दिखाऊँ आप सबको। ये देखें जी, सबसे पहले तो लग रहे थे आज फ्रेम, और फ्रेम निकाले थे। आपको पता है जैसे कि तस्वीरों का पहले बहुत ज़्यादा टाइम होता था और हमेशा तस्वीरें उतारी और लगाई जाती थीं, तो ऐसे ही है जी कि हमने भी आज अपनी दीवारों पर लगवाए सारे फ्रेम, और फ्रेम जो थे वो ये लगे हैं। और मैंने कहा जी अब मैं आपको दिखाऊँ, अभी बहुत से फ्रेम मेरा ना ख़राब हो गए हैं क्योंकि वो मैंने रखे थे तो वो जो मेरी हेल्पर है वो ज़मीन पर पड़े थे, उसने पानी वहाँ से कहीं साफ़ किया, धोया, तो वो बस हो गए गंदे और ख़राब। और ये देखें जी, ये प्यारे प्यारे हमारे क्यूट से डॉग्स हैं, एलेक्स और मैक्स। आपको पता है एलेक्स तो चला गया और मैक्स था, और ये जो दो फ्रेम आपको नज़र आ रहे हैं ये लोहे पुरानी, और अल्लाह ताला का घर बना हुआ है इस पर। बहुत मेरे पुराने फ्रेम हैं, बहुत मुझे पसंद हैं। और यहाँ है ये सोफ़ा जहाँ पर मैं बैठती हूँ और आपके साथ अपनी करती हूँ लाइव वीडियो, जहाँ पर होता है मेरा पानी, मेरा मोबाइल। और ये देखें, वो साइड पे आपको फ्रिज और डिस्पेंसर नज़र आ रहा होगा, उसके साथ बिल्कुल फ्रेम है। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक्वेरियम, और एक्वेरियम में हमारी तकरीबन फ़िश जो है ना वो मर चुकी हैं, बस चार फिश रहती हैं। अब इंशाल्लाह ताला मैं नई फ़िश लेके आऊँगी। और ये देखें, साथ साथ चीज़ें रखी हैं और साथ साथ, अच्छा जी आप साथ साथ घर देखें, चीज़ें देखें, और मैं आपके साथ करूँ बात। सबसे पहले हमें ना अपने बूढ़े होने की तैयारी, बूढ़े होने की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके लिए सबसे ये है कि हमें इतनी नेकियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए कि हम जिस टाइम इस दुनिया से जाएं तो हम आसानी के साथ ना सुरखरू हो जाएं, हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। और दूसरा ये, आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो भी आप जिनको भी जानते हैं आप उनको ये बात ज़रूर बताएं कि पैसा अपने ऊपर जो लगाएंगे ना वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो पैसा जो है ना वो तकरीबन ज़ाया है, दूसरों पे लगाया हुआ पैसा जो है ना वो कभी ज़ाया नहीं होता, ठीक है? तो कोशिश करें कि जो भी आपने करना है आप दूसरों के लिए इतने अच्छे, इतनी मिसाल बने कि आपको बुढ़ापे में ना कोई मुश्किल पेश ना आए। और दूसरा, आप लोग भी कहेंगे, बार बार कहती है दूसरा, अच्छा जी, और प्लानिंग क्या करनी है आपने बुढ़ापे के लिए, छोड़ के सारा कुछ यहाँ पे अकेले आपने जाना है, ठीक है? और एंड ये है कि आपने जब अकेले रह जाना है तो आपने उस तन्हाई को अकेले महसूस करना है, आपने उसमें बहुत टेंशन नहीं लेनी, आपने कोशिश करना है कि जिसके साथ भी मैं रابطہ रखूँ उसके साथ बहुत अच्छा रखूँ, ताकि लोग आपकी मिसालें दें, लोग कहें जी कि ये इंसान बहुत अच्छा था, जवानी से बुढ़ापे तक बहुत अच्छा था। अपना ताल्लुक जो है अल्लाह से इतना मज़बूत करें, इतना मज़बूत करें, उसके साथ साथ ना छोटों पे भी रहम ज़रूर करें, अपने दिल में रहम और नरमी
खुदा के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो अकेले बैठे होते हैं, गुस्से से भरे बैठे होते हैं, वो दूसरों से अपने अखलाक नहीं अच्छा करते, और कोई अगर उनके पास बैठे भी ना तो वो उनको तंज और बातें लगानी, बातें करनी, उसके अलावा उनको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करें, इसलिए वो फिर अपने बेटी बेटे बहुओं से और बच्चों से दूर हो जाते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि ये किस वजह से हो रहा है। उनको नहीं समझ आ रही होती कि ये हमारा इखलाक है जिस वजह से सब आहिस्ता आहिस्ता हमारे से दूर होते जा रहे हैं, पर क्योंकि वो आपको पता है कि वो यही समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम मतलब है कि एक अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल हम परफेक्ट हैं, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान इतना अच्छा इतना परफेक्ट नहीं होता, इंसान वही अच्छा होता है जो अपनी गलती को मानता है और अपने आप को समझता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत की है, और झुक जाने से या माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला फल भी उसी दरख्त पे लगाता है जो झुका हुआ होता है। कभी आपने देखा सीधा और अकड़ा हुआ फल दरख्त जो होता है उस पर कभी फल नहीं लगता। तो इन बातों का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें कि किसी का दिल ना दुखाएं, दिल आज़ारी ना करें। आप अपने बुढ़ापे के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं करें, ये ना सोचें कि कल को जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे लिए हमारी औलाद हमारे बच्चे वो सदका करें, वो ये करें, वो करें। नहीं, आप अपने हाथों से जो दे के जाएंगे ना दुनिया में, वही आपके काम आना है। और वही बात आ जाती है, बहुत बहुत मैंने बूढ़े लोगों को देखा है जो अपना रुपया पैसा दौलत जायदाद इकट्ठी कर करके रखते हैं, और औलाद को पता ही नहीं चलता जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो बाद में फिर लड़ाइयाँ झगड़े ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये भी उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जो भी करना हो वो अपनी ज़िंदगी में ही करें। और मुझे ऐसे ये टॉपिक इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं अक्सर वीडियोस देखती हूँ ओल्ड पीपल हाउस की, बूढ़े लोगों की, जहाँ पे बहुत बूढ़े इकट्ठे होते हैं, और हम लोगों के दिलों में यही बात होती है कि नहीं, वो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, बूढ़े माँ बाप चले जाते हैं, वो लोग उनको घर में नहीं रखते। पर कभी आप लोगों ने यह सोचा कि क्यों नहीं रखते? आखिर औलाद इतनी बुरी नहीं होती। ठीक है, आजकल के माशरे में बहुत बुरी भी होती है, पर इतनी औलाद बुरी नहीं होती। पर हमने कभी दूसरे पहलू से ये कभी नहीं देखा, क्या माँ बाप औलाद के साथ ठीक होते हैं? क्या माँ बाप औलाद का ख्याल रखते हैं? क्या माँ बाप औलाद के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं? वो लड़ाई झगड़ा गुस्सा और हर टाइम इस मूड में तो नहीं रहते? तो फिर एक टाइम आता है कि औलाद भी जो है ना वो थोड़ी सी ज़रा मुश्किल में आ जाती है। मैं ये कभी नहीं कहती कि वो उनको उधर छोड़ आए या ऐसे करें, पर आपको मेन बताने का मकसद ये है कि अपने बुढ़ापे के लिए आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी ज़िंदगी देनी है या कितनी ज़िंदगी और आपके पास है, पर आप उसकी ना तैयारी अच्छी रखें कि आप जब इस दुनिया से जाएं तो लोग आपकी वाह वाह आपकी तारीफ करें और कहें कि ये इंसान बहुत जवानी से लेके बुढ़ापे तक बहुत अच्छा था। उम्मीद है ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। आप यकीन करें, काम में तो ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा वो कर दी है, जितनी सफाइयाँ अब शुरू की थी अल्लाह ताला का शुक्र है कि तकरीबन 80% जो है ना घर कंप्लीट हो चुका है, अभी भी 20% रहता है। तो कोई नहीं, अल्लाह ताला करेगा, बाकी काम भी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। और उम्मीद है आप सारे मेरे साथ होंगे और मुझे देख रहे होंगे, और अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो प्लीज़ उसको आप लोग अपनी तरफ मत लेके जाना। ये व्लॉग होते हैं, कभी किसी का मूड किसी तरफ होता है तो इंसान ये सोचता है कि पता नहीं शायद ये व्लॉग क्यों बनाया गया। तो ये मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ऐसे उन लोगों के लिए है जो अभी जवान है, जो अभी बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रहे, पर उन्होंने आपको पता है एक टाइम बुढ़ापे की तरफ जाना है। तो अपने बुढ़ापे की तैयारी जो है ना वो साथ साथ मैं ये बात कहूँगी कि लाजमी रखें, और इतने प्यार इखलाक से बात किया करें कि सबका दिल करे कि आपके पास बैठें, आपसे बातें करें, आपकी जवानी से लेके बुढ़ापे तक की स्टोरियां सुने, बच्चे बैठे हैं आप लोगों के पास, आपके घर वाले सब आपके पास बैठे हैं, और ये तभी होगा जब आपका इखलाक अच्छा होगा। तो उम्मीद है ये छोटा सा व्लॉग जो मैंने बनाया आज 2 दिन के बाद
फुल आपने वॉच करना है और पसंद करना है, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसा लगा। और अच्छा लगा तब भी, नहीं लगा तब भी कोई मसला नहीं है। और बाकी ये है कि वॉच टाइम जो है मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मेरे व्लॉग्स पुराने भी और नए भी सारे ज़रूर वॉच करने हैं। अगर आपको प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आती रहूं और वीडियोस अपनी शेयर करती रहूं, तो फिर आपने ये सारा मेरा काम करना है और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखना है। और इंशाल्लाह ताला मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में शामिल रखूँगी। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।